दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से हमारे घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वर्टर को सेलेक्ट करना सीख लेते हैं। देखिए, जो हमारा इन्वर्टर होता है उसको सेलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना होता है कि आप इस इन्वर्टर पे कितना लोड को कनेक्ट करने वाले हो। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में 3 फैन है और 2 यहाँ पे हमारे पास में ट्यूबलाइट है, उसके बाद 5 हमारे पास LED बल्ब है और 1 TV है। कुल मिला के इतना लोड है जिसको हमें इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करना है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा लोड है, इस लोड का कितना वाटेज है उसको भी फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि आपने देखे होंगे, जो आपका फैन होता है उसको ऊपर में एक डाटा प्लेट लगा होता है, या फिर जो आप फैन खरीदते हो तो उसके साथ जो मैनुअल मिलता है उस मैनुअल पे लिखा होता है कि जो हमारा फैन है वो कितने वाट का है। तो यहाँ पे हमें वही फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे जो हमारा फैन होता है वो नॉर्मली 75 वाट का होता है। इसी प्रकार से जो हमारा ट्यूबलाइट होता है वो 20 वाट का होता है। LED बल्ब 9 वाट का, 12 वाट का, 8 वाट का भी मिल जाता है, यहाँ पे हम 9 वाट मान लेते हैं। और जो TV होता है वो नॉर्मली 60 वाट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 फैन है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाटेज है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 225 वाट। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में 2 ट्यूबलाइट है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 40 वाट। यहाँ पे 5 LED बल्ब है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आंसर आ जाएगा 45 वाट। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास में केवल 1 TV है तो यहाँ पे हो जाएगा 60 वाट। अब यहाँ पे जो पावर है, इन सभी पावर को हमें प्लस कर लेना होता है तो इसको प्लस करने पे आंसर आ गया 370 वाट। यानी कि यहां पे जो हमारे पास में इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर पे हम 370 वाट का लोड को कनेक्ट करना चाहते हैं। अब यहां पे जो हमारे पास में लोड है, इस लोड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि जो हमारा इन्वर्टर होता है, हो सकता है कि उस इन्वर्टर पे हम फ्यूचर में और भी लोड को कनेक्ट कर दें। इसीलिए यहां पे हम 25% सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं, 25% एक्स्ट्रा हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में 370 वाट है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। 1.25 का मतलब 25% एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 462 वाट, यानी कि टोटल लोड हमारा हो गया 462 वाट। तो इसी लोड के अकॉर्डिंग हमें इन्वर्टर को सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि आपको मालूम है, जो भी हमारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का जो रेटिंग होता है वो होता है वोल्ट एम्पियर में, यानी कि VA में। यहाँ पे जो हमारे पास में लोड है वो वाट में है, लेकिन इन्वर्टर का रेटिंग आपका VA में आता है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो वाटेज है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा वोल्ट एम्पियर में। तो यहाँ पे जो वाट है इसको वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको क्या करना है, जो भी आपका वाटेज है उसको पावर फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास में 462 वाट है और इसको डिवाइड करना है पावर फैक्टर से। पावर फैक्टर हमने यहाँ पे 0.8 मान लिए, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 578 VA। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास में आंसर आया है, इसी आंसर को बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि आप इतने ही VA का इन्वर्टर को बाई कर लीजिए। यानी कि यदि आपके घर का लोड 370 वाट है तो आपको कहेंगे 578 वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर बाई कर लीजिए, लेकिन ये आंसर बहुत ही गलत है। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है। देखिए, यदि आप यहाँ पे 370 वाट के लोड को कनेक्ट करोगे तो ये वाला जो इन्वर्टर है वो परफेक्टली वर्क करेगा, लेकिन इन फ्यूचर यदि आप इस पे लोड को बढ़ा देते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर 25% एक्स्ट्रा मान के चले थे, यदि आप इस इन्वर्टर पे 25% एक्स्ट्रा लोड को कनेक्ट करना चाहोगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड का इंडिकेशन दे देगा, यानी कि आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा। यहाँ पे ओवरलोड का इंडिकेशन इसलिए आता है क्योंकि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है वो 100% आउटपुट नहीं देता। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट पे केवल हम 80% लोड को ही कनेक्ट करते हैं, 100% लोड कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में आंसर आया है, इस आंसर को आपको ये समझना है कि जो हमारा इन्वर्टर है उस इन्वर्टर को कनेक्ट करने के बाद जो 80% का लोड होगा वो इतना होना चाहिए। तो इस लोड को 100% में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, आप यहाँ पे जो आपका V है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए 80 से। यदि आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो तो ये जो 80% है वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720
392 वोल्ट एम्पियर, यानी कि आपका जो घर का लोड है 370 वाट का, इस लोड पे आपको 722 वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर को बाई करना होगा। यदि आप परफेक्ट इन्वर्टर को बाई करना चाहते हो तो आप इस इन्वर्टर को सेलेक्ट करिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा इन्वर्टर है उस इन्वर्टर पे हम एक्स्ट्रा लोड को कभी कनेक्ट नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में आप इस रेटिंग का इन्वर्टर बाई कर सकते हो। लेकिन आपको यदि लगता है कि हम एक्स्ट्रा लोड को कनेक्ट कर सकते हैं तो उस कंडीशन में आपको इस रेटिंग का इन्वर्टर को बाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए कि किस प्रकार से हम इन्वर्टर को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आती है बैटरी को सेलेक्ट करना। बैटरी को भी सेलेक्ट करने के लिए आपको इतना सारा प्रोसेस को सेम फॉलो करना है, यानी कि आपके घर का जो लोड है उसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल लोड हो गया है 462 वाट। ठीक है, अब यहाँ पे जो वाटेज है इसी वाटेज के हिसाब से हमें बैटरी को सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि आपको मालूम है जो हमारा बैटरी होता है, बैटरी का रेटिंग हमेशा एम्पियर आवर में आता है। तो यहाँ पे बैटरी के साइज को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो वाट है ये वाला वाट, इस वाट को मल्टीप्लाई करना है बैकअप टाइम से, यानी कि आपका जो पावर सप्लाई है वो चले जाने के बाद आपका जो बैटरी है कितने समय तक पावर सप्लाई को दे दे उसका टाइम यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको डिवाइड करना होता है बैटरी वोल्टेज से, उसके बाद यहाँ पे बैटरी इफिशियंसी भी लिखना होता है। देखिए, जो हमारा बैटरी होता है उसको हम 100% डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। यदि आप बैटरी से पावर सप्लाई 100% ले लोगे तो उस कंडीशन में जो आपका बैटरी है वो खराब हो सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पे बैटरी का इफिशियंसी भी लिखना होता है और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे इन्वर्टर का इफिशियंसी भी लिखना होगा। देखिए, जो हमारा इन्वर्टर होता है पावर सप्लाई जानने के बाद डीसी पावर सप्लाई को एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर होता है पूरा का पूरा डीसी पावर सप्लाई को एसी में कन्वर्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ लॉसेज जरूर होंगे। जैसे कि हमारा जो इन्वर्टर होता है उसको रन कराने के लिए पावर कंज्यूम होगा, और यहाँ पे जो डीसी पावर सप्लाई होता है उसको एसी में कन्वर्ट करने पे कुछ ना कुछ लॉसेज भी हो जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पे इन्वर्टर का इफिशियंसी भी लिखना होता है। तो कुल मिला के आपको इतना चीजें लिखना होगा जिससे कि हमें बैटरी का पूरा प्रॉपर कैपेसिटी मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास में फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो वाटेज है इसके जगह पे हमने 462 लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बैकअप टाइम के जगह पे हमने 3 आवर लिख दिए। अब यहाँ पे बैटरी वोल्टेज के जगह पे 12 वोल्ट लिख दिए। यदि आपका इन्वर्टर 24 वोल्ट वाली है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 24 लिखना होगा। मैं सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बैटरी है इस बैटरी का एफिशिएंसी हमने 80% लिख दिए। 80% के जगह पे आप यहाँ पे 0.8 लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इन्वर्टर का एफिशिएंसी हमने 0.8 लिख दिए, इसका मतलब 80% लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है इसको हम सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 180 AH, यानी कि यदि आपके घर का लोड 370 वाट है और इस लोड को यदि आप 3 घंटे तक चालू रखना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 180 AH का बैटरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से हमारे घर के लिए इन्वर्टर को सेलेक्ट करेंगे और किस प्रकार से बैटरी को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।